हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप डीपली सोचते हैं, डीपली फील करते हैं, आज हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं। और आज इस रीडिंग में आप जानेंगे कि आपके पार्टनर, ठीक है, देर रात सेक्सुअली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देर रात वो सेक्सुअली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि ये रीडिंग मैं लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए। और आपको जो है ये रीडिंग देखनी है, कैसे देखनी है आपको, सबसे पहले मैं ये कैंडल जब लाइट करती हूँ ना, तो आप अपने पार्टनर का ध्यान करोगे, लाइट को देखोगे और अपने पार्टनर का नाम लोगे। नाम अगर आपको नहीं पता है, जैसे कि क्रश के लिए देख रहे हो, तो विजुअलाइज कर लेना। ओके, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे, आपके पार्टनर के लेट नाइट हिडन फीलिंग्स भी होगी, सेक्सुअल थॉट्स भी होगा। जो चीज़ें समझ में आएंगी मुझे यहाँ पे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो चलो आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपको चाहिए मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, कुंडली रीडिंग, या फिर आप चाहते हैं कि आप कोई रेमेडी करें, कोई रिचुअल करें, तो यस, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। बात नहीं करेंगे आप, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वो भी टीम को, मेरे से बात नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। उसके दौरान से आप चार्जेस वगैरह जान सकते हैं और एक्यूरेट रीडिंग मिलती है आपको, ठीक है। चलिए अब मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। सो यस, कैंडल को लाइट करते हैं, देखते हैं। फोकस कर लीजिए। ओके, चलिए फोकस कर लिया है आपने। आपको पता है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स जानना बड़ा मुश्किल है। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजा, ये सॉन्ग मुझे याद नहीं है, चैनल हुआ है, अभी अभी चैनल हुआ है। आपके पार्टनर चुपके चुपके नज़रों से ये पर्सन आपको देखते हैं, चुपके चुपके नज़रों से ये पर्सन का देखना, आपको फील करना वाकई में बहुत अलग है। और आप सोच नहीं सकते हैं, यस, आपके पार्टनर थोड़ा सा ना, इस बारे में मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी ना बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, ठीक है। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वर्गो, यस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना जब भी बात करते हैं तो देखो, एक इंसान के रोमांस करने का भी समय होता है। आपके पार्टनर पूरे दिन रोमांस नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे पर्सन है, बिजी रहने वाले पर्सन है। बट आज देर रात आपको लेकर के कुछ सपने देख रहे हैं। ये पर्सन आज कहीं मॉल में गए थे, ठीक है, मॉल में कुछ इस पर्सन ने देखा है, कोई ड्रेस देख ली है, या कोई आपका फेवरेट चीज़ देख लिया है, जिसको देखते ही आपकी याद आई अचानक से, आपकी बातों पे इस पर्सन को गौर हुआ, मतलब इस पर्सन ने गौर किया। कुछ टाइम पहले जब भी आप दोनों रिलेशनशिप में, या जब भी आप दोनों कांटेक्ट में थे, या अभी भी कांटेक्ट में हो, तो जब आप लास्ट टाइम मिले थे, आप
दोनों मॉल में गए थे या कहीं शॉप पे गए थे, वहाँ पे कुछ आपने देखा था, वो आपके पार्टनर को वहाँ आज मॉल में दिखा है और वो आपके पार्टनर को याद आ गया। आपके पार्टनर ट्रैवल भी बहुत करते हैं, एयरपोर्ट वगैरह मुझे दिख रहा है। अचानक से एयरपोर्ट, कुछ लोग पटना के हो सकते हैं, पटना 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 जिला है ना, दिल्ली, मुझे यहाँ पे पटना, दिल्ली, बेंगलोर, गोवा, मसूरी का भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ यहाँ जाते हैं, ठीक है, अगर आप इंडिया में हो तो। बाकी आप अगर आउट ऑफ कंट्रीज देख रहे हो तो वहाँ पे भी अलग 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 सिटीज़ में जाना आपके पार्टनर को पसंद है। ये पर्सन पता है आपको, आपको देख के इस पर्सन के मन में ना, देखो इमरान हाशमी इस पर्सन के ना, कहते हैं ना कि इमरान हाशमी आपके पर्सन का फेवरेट हीरो हो सकता है या आपका भी हो सकता है, क्योंकि इमरान हाशमी के जैसा लड़कियां खोजती हैं और आपका भी एक ड्रीम है कि मुझे भी वैसा पर्सन चाहिए, रोमांटिक सा, जो रिलेशनशिप में बहुत लॉयल रहे। आपके पार्टनर आपको ना, पता है, आपके हाथों को पकड़ के चलना पसंद करते हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि भाई आज वो मेरे साथ होती तो हम दोनों घूमते ना, मज़ा आता ना एक दूसरे के साथ, कितना मज़ा आता एक दूसरे के साथ, मौज करते भाई मौज। लग रहा है जैसे कि आपके साथ जुदाई का आलम इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये पर्सन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। रियलिटी तो यहाँ पे ये है, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपके पार्टनर से ना, नको। लगता है इस रिश्ते में ना बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। आपको पता है, आप इस पर्सन से जानने की कोशिश करते हो, इस पर्सन को थोड़ा सा पिन करते हो कि यार कुछ बोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही, लेकिन ये पर्सन नहीं बोलते हैं आपके, ये पर्सन आपके नहीं बोलते हैं। लग रहा है जैसे कि इनके कुछ दोस्त भी हैं, ठीक है, इनके कुछ दोस्त भी हैं जो कि आपके बारे में पूछताछ करते हैं, अक्सर किया करते हैं, मजाक में ही सही, बट पूछते हैं, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को ना अकेलापन में फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, रिग्रेट वाली फीलिंग्स, रिग्रेट वाले इमोशंस काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं मुझे। लग रहा है जैसे कि अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। देखो भाई, आपके पार्टनर ना आपके साथ कहीं गार्डन में बैठ के खूब सारी बातें करना चाह रहे हैं, ये पर्सन को ना मूवी देखने जानी है आपको, आपके साथ, ठीक है, कोई नई मूवी आई हो वो मूवी जो है ना आपके पार्टनर को देखना है, ठीक है, आपके साथ, वो भी विंडो वाली सीट पे। विंडो वाली सीट पे दोनों एक दूसरे के साथ मस्त बैठे हुए, एकदम पॉपकॉर्न खाते हुए, एकदम एकदम दिखाई दे रहा है कि भाई आपका जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है। ये पर्सन थोड़ा रिलैक्स चाहते हैं, ये पर्सन बॉडी बॉडी मसाज वगैरह भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि ये पर्सन के बॉडी को कोई टच करे, ठीक है, बट आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, आपके पार्टनर इंजॉय करते हैं। देखो ये पर्सन ना मूवीज़ वगैरह भी देख रहे हैं, कैसी मूवीज़, कैसी मूवी देख रहा है ये पर्सन, तो वैसी मूवी जिसमें भर भर के रोमांस हो, भर भर के फ्लर्टिंग, जैसे जैसे धूम, धूम देखा है ना आपने, धूम में कैसे उस हीरो का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कैसे फ्लर्ट करता है, तो वो वाली चीज़ जो है ना मुझे दिखाई दे रही है। एक एक सॉन्ग यहाँ पे चैनल हो रहा है मुझे, कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पर आज शरारत करने दो, काम बात के करेंगे कल, जाओ बाबा जाओ ऐसे ना, है ना वो वाला सॉन्ग है ना, वो जो है ना मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, सुनना जरूर। आपके पार्टनर सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो ये पर्सन है वैसे, होता है ना कि जैसे कि रात में थोड़ा सा तो माइंड फ्री होना चाहिए ना,
आपके पार्टनर वो कर रहे हैं। होठों से छू लो तुम, देखो जगजीत सिंह का जो भी है फैन वो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ और यहाँ पे दिख रहा है मुझे उनके तरह। मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए मैं ये गाना बीच में ही छोड़ रही हूँ, गाना नहीं गज़ल छोड़ रही हूँ बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन, देखो आपके होठों पे तिल है, देखो आपके हाँ होठों के आसपास तिल है क्या? है तो आपके पार्टनर उस तिल के ऊपर जो है ना वो शेरो शायरी भी गजब करते हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन इस लॉजिक के हिसाब से भी देख रहे हैं कि वो जो तिल है ना वो क्या अच्छा है या खराब है। किसी किसी के कमर पे यहाँ पे तिल दिखाई दे रहा मुझे, कमर पे चेक करो। यस, आपके पार्टनर वो तिल देख चुके हैं। इस पर्सन को ना क्या ही कहूँ मैं, इस पर्सन के अंदर मुझे दिखता है कि ये पर्सन थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं, ये पर्सन रोमांटिक भी हो रहे हैं। लगता है जैसे कि काश आप होते तो कस के गले लगाते, किस करते, है ना। मतलब लगता है ना जैसे कि फुल रोमांस जो है ना यहाँ पे दिख रहा है। जैसे जैसे अभी मैंने सॉन्ग गुनगुनाया ना, कोई नहीं है कमरे में क्या हंसे मिला है पल, वो जो सॉन्ग है ना उसमें देखते हो ना जैसा, वैसा ही ये पर्सन बदमाशी करना चाहते हैं, वैसा ही रोमांस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के मन में है, आपके पार्टनर के दिल में है भाई कि ये पर्सन मतलब मेरे करीब होता, मेरे पास होता, या मेरे पास होते तो आज तो मतलब बवाल ही होता, बवाल बवाल टोटली बवाल भाई। आपको आज रात आपके पार्टनर सोने ही नहीं देते, इतना बदमाशियाँ आज आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में आ रही हैं, ठीक है। बदमाशियाँ बहुत करने वाले हैं आपके पार्टनर। चाहे जो उम्र हो, उम्र का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर है वैसी चीज़ें, आपके पार्टनर के अंदर है वो, है ना। होता है ना कि इंसान की उम्र ढल जाती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन के अंदर है, अभी भी ये जवान है बहुत ज़्यादा, अगर इनकी एज ज़्यादा है तो भी। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, देखो जो फीमेल देख रही है यहाँ पे, आप जब भी रेड या मैरून कलर की या जो है ना मैजेंटा कलर की जो है ना लिपस्टिक लगाते हो ना, आपके पार्टनर को बहुत पसंद आता है, ठीक है। ये तीन कलर जो है ना मुझे अचानक से दिखे हैं और आपके पार्टनर उस चीज़ में विजुअलाइज कर रहे हैं आपको। यस, विजुअलाइज कर रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है जैसे कि होठ रसीले तेरे होठ रसीले। ये यार क्या क्या सॉन्ग चैनल हो रहा है यार, ये क्या है। आपके पार्टनर हैं वैसे, एडिक्ट हो चुके हैं आपके, एडिक्शन हो चुका है आपके पार्टनर को आपका, एकदम डीपली, एकदम डीपली। ओ माय गॉड, होठों से ही ये पर्सन जो है ना यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। देख लो जब भी फर्स्ट मीटिंग या जब भी मिलोगे ना आप, ये पर्सन आपको किस जरूर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बार 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 जो है ना लिप्स आ रहे हैं मुझे, है ना, लिप्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी एक सॉन्ग चैनल हो रहा था, मैं भूल गई, वो भी लिप्स पे ही था। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, ये सॉन्ग भी हो रहा है मुझे चैनल। अरे बाबा, आपके पार्टनर की प्लेलिस्ट क्या कह रही है, प्लेलिस्ट इस पर्सन ने बना के रखी है। आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, इस पर्सन के मोबाइल फोन में एक अलग ही प्लेलिस्ट है जो कि आपके लिए है, जिसमें सॉफ्ट सॉन्ग्स भी हैं और ये भी हैं।
अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, है ना। ये सॉन्ग मुझे दिख रहा है भाई, आपके पार्टनर का मतलब कॉलर ट्यून भी हो सकता है कि लगाओ, मुस्कुराने की वजह तुम हो, या आपने लगा के, सॉरी आपने लगा के रखा हो। मैं ना हमेशा जल जाती हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें जो है ना होती हैं, तो निगेटिविटी यहाँ पे बहुत है। मैं निगेटिविटी को इग्नोर कर रही थी और देखो निगेटिविटी ने अपना काम कर ही दिया मुझे। निगेटिविटी बहुत है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आपके पार्टनर के आसपास, आपके आसपास, ठीक है, आपका माइंड स्ट्रेस में रहता है, आप निगेटिव ऑरा में हो, आप अपने निगेटिव ऑरा को पहले क्लींस करो। चलो यहाँ की एनर्जी और बताती हूँ मैं आपको। आई थिंक आपको ना अपने पार्टनर से, आपको भी अच्छा लगता है रोमांस करना, अच्छा लगता है ना। यस, आपको अच्छा लगता है इनकी बातें सुनना, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ टची टची हो, ये पर्सन आपसे मिले तो आपको टच करे, फील करे, चाहते हो आप भी, या मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप उनको अपने करीब आने देते हो, है ना। यस, आपके अंदर भी है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको भी नीड महसूस होती है यार, सामने पर्सन हो जिसे आप प्यार करते हो, अगर वो ऐसी हरकतें करता है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को अच्छा लगता है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपको भी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं है, कपल है आप दोनों, प्यार करते हो दोनों के दोनों, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ना, एक होता है ना कि हैप्पी वाला गोवा वाली बीच पे, है ना। ये दिख रहा है मुझे। आई थिंक आपने कोई डांस वगैरह भी किया है क्या इस पर्सन के साथ? कुछ लोग हैं ऐसे, मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि पार्टी में गए हैं और पार्टी डांस वगैरह भी कुछ दिख रहा है मुझे। यस, आपके पार्टनर ना, देखो गाइज अभी अभी मुझे यहाँ पे जो डाउनलोड्स मिले हैं ना उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है कोई रूम डेकोर करवा रहे हैं। इनके रूम में कुछ डेकोरेशन हो रहा है, कुछ चल रहा है इनके रूम में, कोई पेंट, कुछ कुछ नया कुछ चल रहा है, ऐड करवा रहे हैं आपके पार्टनर। लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन ना कुछ आपकी फेवरेट कलर्स भी ऐड करवा रहे हैं, या आप खुद भी अपने रूम का, अपने घर का पेंट वगैरह करवा रहे हो, साफ सफाई चल रही है भाई, अचानक से मुझे दिखाई है। उसमें कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं आपके, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, जिनको शायद आपने डिलीट कर रखा था फोन से, बट इस पर्सन ने प्रिंट निकलवा लिया था, ठीक है, प्रिंट निकलवा लिया है भाई। आपके पार्टनर ने आपकी कोई प्राइवेट फोटो भी रखी है, आपके पार्टनर लेट नाइट उसको देखते हैं, जब भी मतलब इस पर्सन को वो हाईली फील होता है कि अब नीड है, अब चाहिए, अब तो नशा ज़रूरी है, उस समय आपके पार्टनर उस पिक्चर को देखते हैं। आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन इस पर्सन ने रखा है, आपने भेजा नहीं भेजा उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो कॉल वगैरह जब हुआ या जैसे भी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे दिख रहा मुझे अचानक से ये चीज़ें दिखाई देने लगी हैं यार, अचानक से ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना इस पर्सन के, एक होता है ना जैसे कि इतने करीब रहना चाहते हो ना, इतने करीब रहना चाहते हो ना कि इसकी, इनकी सांसों की गर्माहट को आप फील कर पाओ, ठीक है, इतने करीब आप रहना चाहते हो। ये पर्सन के करीब रहना, इस पर्सन के बाहों में आना और मतलब रिलैक्स फील करना खुद को, इनकी बाहों में सौंप करके नींद आ जाना, आपको नींद आ जाती है इस पर्सन की बाहों में,
यस, मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन की बाहों में गए हो तो यस, इस पर्सन की बाहों में जाके आपको नींद आ ही जाती है। और ये पर्सन भी खुद ऐसे हैं, ये पर्सन भी खुद ऐसे हैं, ये पर्सन तो बोलते भी हैं कि तुम्हारी बाहों में मुझे सोना है, तुम्हारी बाहें मुझे, है ना, तुम अपनी बाहों में भर लो मुझे। सो यस, लग रहा है कि वही आपकी पार्टनर, तो मतलब क्या ही बताएं, रोमांस के पूरा, रोमांस का पूरा कुआं है ये कुआं। आप शायद जानते नहीं हुए, ये पर्सन बोले ना बोले, बट है इस पर्सन के मन में बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि यार तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ओ सपने तेरी चाहतों के, है ना, देखती ये सॉन्ग जो है ना, ये चैनल हो रहा है मुझे, ये कौन सा फिल्म का है मुझे नहीं पता, हीरोइन कौन है मुझे नहीं पता। सॉन्ग अचानक से चैनल हुआ। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन बड़ा, मतलब होता है ना कि सोच सोच के बातें करना, सोच सोच के ये करना है, सोच सोच के वो करना है। पता है जितने भी लोग सेक्सुअल चीज़ें सोचते हैं ना, होता कुछ नहीं है, ठीक है, अगर आप सोचते हो ना आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी आएगी। आप देखना, आप जब भी सेक्सुअल चीज़ें सोचोगे ना, आपकी या तो पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी, या पार्टनर जो है ना आपका रूठ जाएगा, आपका पार्टनर ही आपसे लड़ाई कर देगा। ऐसा जो है ना मैं देख पा रही हूँ, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, मैंने स्टडी करी है जिसमें मैंने देखा है कि हाँ यार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के भी माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं कि यार जब भी मैं उसके साथ ये सारी बातें सोचता हूँ ना, चीज़ें पलट पलट जाती है एकदम से, उसका माइंड चेंज हो जाता है, उसे अच्छा ही नहीं लगता। तो ये चीज़ें हैं, ये रियल है। आपके पर्सन भाई, आपको ही पर्सन आपको घाघरा चोली में देखना चाहता है, मतलब जस्ट लहंगा, साड़ी, साड़ी कम, लहंगे में ज़्यादा दिखाई देना देना चाहते हैं। पता है क्या, अभी जो है ना नवंबर दिसंबर का जो महीना आ रहा है ना, इसमें कोई वेडिंग सीजन में आप जाने हो, मतलब वेडिंग में कोई जाने वाले हो, आप कहीं शादी वगैरह में जाने वाले हो, जहाँ पे इस पर्सन को पता है कि भाई आपका आना होगा, आप जाओगे वहाँ पे, ये पर्सन पता लगा के बैठ चुके हैं। देखो इनकी तेज़ रफ्तार, इनकी रफ्तार ऐसी बढ़ी हुई है, ठीक है, एकदम ये पर्सन तो जाने वाले हैं भाई, आपको मिलने वाले हैं, आपको मिल के रहेंगे ये पर्सन आपके साथ, मतलब पूरी प्लानिंग है इनकी। पूरी की पूरी प्लानिंग करके बैठ चुके हैं कि अरे यार अब तो छोड़ूंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मिलेंगे, हम बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत वाली बातें तो होंगी ही होंगी। देखो ये पर्सन ना किसी की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, किसी की हेल्प ले रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई है मीडिएटर, उससे बात करो, पूछो कि उसने बताया है कुछ कि नहीं बताया है। मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि हाँ बातें हुई हैं और बताया है, बहुत कुछ बताया है आपके बारे में, कुछ गलत बातें भी इस पर्सन को बताई गई हैं, बट ये पर्सन ने इग्नोर किया है उस बात को, क्योंकि उस पर्सन, ये पर्सन का मानना है कि डजेंट मैटर, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जिसको ट्रस्ट कहते हैं ना, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, उस सामने वाले इंसान का मुंह बंद करवा दिया है आपके पार्टनर ने, ठीक है, उस पर्सन का पूरा मुंह बंद करवा दिया कि तू चुप रह, फालतू की बकवास ना करियो मेरे सामने। आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर गुस्से में भी है, बट कोई नहीं, ये पर्सन रोमांटिक तो फीलिंग्स रखते हैं, कुछ भी कह लो। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना। ये जो है ना सॉन्ग सुनो ज़रूर, जो भी यहाँ पे सॉन्ग चैनल हुए हैं आज रात सुनने के सोना, क्योंकि ये सॉन्ग जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सॉन्ग्स में भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता है, और वो सॉन्ग जो है ना बहुत अच्छा काम करता है।
आपके भी रिलेशनशिप में सॉन्ग के थ्रू ही आपका यूनियन भी होगा, ठीक है? सॉन्ग के थ्रू ही आपका यूनियन होगा। सब निमल्स कर सकते हो आप, मेरे कहने का मतलब यही है, सब निमल्स कर सकते हो म्यूजिक वाले, ठीक है? वो सुनोगे ना तो आपकी वाइब्रेशन काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पार्टनर के पास पहुंचेगी और आप अपने पार्टनर से ना अच्छे से बात भी कर पाओगे उस दौरान, ठीक है? तो नहीं पता है कि कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, रेमेडी कर लो, ठीक है? मेरे पास रेमेडी है आपके लिए। आपका पार्टनर खींच के आएगा आपके तरफ, एकदम से आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कॉल करेगा ही करेगा या करेगी ही करेगी, चाहे वो कितना बड़ा ईगोइस्टिक क्यों ना हो, ठीक है? तो रेमेडी ऐसी ऐसी है मेरे पास, ऐसी ऐसी मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, मैं खुद करती हूँ, पहले मैं करती हूँ फिर क्लाइंट से करवाती हूँ कि करो अब, क्यों नहीं आएगा कॉल? मैं तो बोलती हूँ कि क्यों नहीं आएगा कॉल, ठीक है? तो अगर आप भी परेशान है ना, कांटेक्ट करो मुझसे, मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है आपको, ठीक? चलिए आज के इस रीडिंग में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।